साथ लीलाएं होने वाली हैं। लेकिन पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगी, कंस से बोली कि मैं जाऊंगी और अपने स्तन पे मां का रूप लग के जाऊंगी, अपने स्तन पे विष लगा के ले जाऊंगी और मैं मां बन के जाऊंगी और उसे दूध पिलाऊंगी और उसे मैं मार दूंगी। और जैसे ही पूतना ने सोचा, मैं विष लगा के जाऊंगी, उधर ये खबर शिव के पास पहुंच गई। शिव बोले, आप तो लीला करने आए हैं, विष तो मेरा काम है, इसे मुझे लेने दीजिए। लेकिन वहां शिव सोच रहे हैं कि यदि मैं वहां आया आपको प्रणाम करने के लिए तो फिर सारे लोग जान जाएंगे कि आप परब्रह्म हैं। तो वहीं समाधि में बात हो रही है, पालने में लोटे हुए कन्हैया कह रहे हैं कि ऐसा है, इतना सहज नहीं। अच्छा, ये दोनों ही सेवक स्वामी सखा सिय पिए के एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान शिव अपने आप को सेवक सखा कह रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु और शिव जी ऐसे खेलने लगे आपस में, मानसरोवर पहुंच गए और वहां एक दूसरे पर जल छिड़कने लगे और जल का खेल चल रहा है, वो पानी उलीच के उन पे डाल रहे हैं और विष्णु उन पे डाल रहे हैं, शिव उन पे डाल रहे हैं। और खेल में इतना मन लगा कि वो 10,000 वर्ष तक पानी का खेल खेलते रहे। सबको लगा ये कब क्रीड़ा बंद होगी, पूरे विश्व के त्रिलोकी के स्वामी आपस में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जब जगत स्थिर हो जाएगा इनकी क्रीड़ा कैसे बंद हो। लेकिन किसी की जाने की हिम्मत ना पड़े कि दोनों से कैसे कहें कि आप ये क्रीड़ा बंद कर दो, दोनों आपस में खेल रहे हैं और दोनों की पोजीशन बड़ी ऊंची है, पर ब्रह्म परमात्मा उनसे ऊपर कोई है नहीं जो उनसे जाके कहे कि अब ये खेल बंद करो, अपना काम करो। लेकिन भगवान ने तो स्वयं कहा है, अहम भक्त पराधीन। तो सभी लोग हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी से कहा कि अब तो केवल आप ही उन्हें इस खेल से रोकिए, अन्यथा वो अनंत काल तक खेलते चले जाएंगे। तो हनुमान जी वहां गए और वहां कीर्तन किया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जब ये कीर्तन वहां हुआ तो दोनों का ध्यान उस तरफ गया और भक्त को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या चाहते हैं, सहज होके दोनों ने खेल बंद कर दिया। इधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भोले बाबा, हमें जान लेना इतना आसान नहीं है, आई एम नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मुझे आसानी से नहीं समझा जा सकता। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। जब राम अवतार हुआ था तो भगवान राम के दर्शन करने के लिए शिव और माता पार्वती आई थी, तो भगवान ने उस समय कहा था कि मुझे जानना इतना आसान नहीं। तो शिव बोले, इसमें क्या बात है, मैं आपको आऊंगा और आपको प्रणाम करूंगा और जैसे ही मैं आपको प्रणाम करूंगा तो मेरे प्रणाम करने के साथ सब जान जाएंगे कि आप परब्रह्म हैं। आप परमात्मा है, सब जान जाएंगे। तो भगवान राम ने उस समय कहा था कि सबकी छोड़ो भोले बाबा, जरा अपनी माता जी को ही, आपके साथ जो आ रही है पार्वती जी आपकी भार्या, पार्वती माता को ही जरा समझा के बता दो। तो पार्वती जी उनके साथ आई और भगवान ने कहा कि इनको प्रणाम करो,
लेकिन राम अवतार के समय पार्वती ने उनको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो ये मानी नहीं कि ये परमात्मा है। भरी लोचन प्रभु सिंधु निहारी, कुछ समय जान न कीन चिनारी। भगवान ने उनको बड़ा प्रणाम किया, आनंद किया, और उनका अपने इष्ट को बाल रूप में देख के बड़ा सुख मिला। लेकिन यहां आया कुछ समय जान न कीन चिनारी, क्या कुछ समय भगवान के दर्शन और कुछ समय? तो जैसे आपका कोई मित्र हो, बहुत बड़ा रईस आदमी हो, बहुत धनवान हो, लेकिन आज वो एक स्टेज पे एक्टिंग कर रहा है और उसे भिखारी का रोल मिला है। अब वो भिखारी की एक्टिंग कर रहा है, अपने डायलॉग बोल रहा है कि हमको 3 दिन से रोटी नहीं मिली है, हम तो भूखे हैं, हम बहुत बड़े भिखारी हैं। आप नीचे बैठे, आप वहीं से खड़े हो गए और बोले, अरे कोई घबराने की बात नहीं है, हम तुम्हारे मित्र हैं, और सुनो इधर नीचे आओ, हम आपको रोटी खिलाएंगे, 3 दिन से भूखे हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप स्टेज पर चले गए और उनको उतार लाए, तो उनका तो नाटक खराब हो गया। तो आज जब भगवान राम अपनी लीला कर रहे हैं, तो ऐसे समय में भगवान शिव उन्हें प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको चिन्हित नहीं कर रहे हैं कि ये परमात्मा हैं। और आज जब पूतना ने ये सोचा कि मैं विष लगा के जाऊंगी और मैं उसकी हत्या कर दूंगी, तो संकेत वहां जाकर टकराया, क्योंकि ईश्वर की भाषा तो हृदय की भाषा होती है, वहां जाके समझे। शिव समाधि में है, उन्होंने कहा कि विष तो मेरा काम है, आप तो प्रेम लीला करने आए हैं, इसे मुझे पान करने दीजिए, विष को मुझे लेने दीजिए। और अपने नाथ से मिलने के लिए शिव वहां से चल दिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। अब वो वहां से आ रहे हैं अपना त्रिशूल लेके और अपना श्रृंगार करके, नाग गले में लपट रखा है, बागांबर डाल रखा है, श्रृंगी लटक रही है, और वहां से चल रहे हैं भभूत लगा के। अंग भभूत गले रुंड माला, शेष नाग लपटायो, बांको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। अपना श्रृंगार कर दिया भोले बाबा ने कि अपने इष्ट से मिलने जा रहा हूं। और जैसे ही ब्रज में आए और वहां उनकी स्थिति के सर्प गले में लटका हुआ है, 2 हाथों में बंध रहा है, 1 कमर में बंध रहा है, तो उन्होंने वहीं पर सोचा कि कैसे भगवान के दर्शन होंगे। जब वो ये सोच ही रहे थे, तभी भगवान की कृपा से वहां एक गोपी आ गई।